गर्मी आते ही स्पेशली जब मॉनसून आता है, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसान एक ही फसल में जुट जाते हैं, उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, और वो है धान। आपको चारों तरफ छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे, पानी से बड़े खेत दिखाई देंगे, जो देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इनका नतीजा बहुत घातक हो सकता है। धान या पैडी फार्मिंग केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ये विश्व के करीब 3.5 से 4 बिलियन लोगों का पेट भरता है, तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फूड सिक्योरिटी में धान या पैडी कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी खेती जिस हिसाब से आज हो रही है, वो आने वाले टाइम में हमें पानी की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन एमिशन और बहुत सारी पर्यावरण की प्रॉब्लम का सामना करा सकता है। धान कोई पानी वाला पौधा नहीं है, कोई एक्वेटिक प्लांट नहीं है, उसके बावजूद ये अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादातर टाइम पानी के अंदर ही रहता है। हर समय पानी भरा हुआ होता है जिस भी खेत में हम धान लगाते हैं, और ज्यादातर किसान इसी तरीके से खेती करते हैं, क्योंकि इस तरीके की खेती से आपकी जो खरपतवार है उनको उगने का मौका नहीं मिलता है। खरपतवार को सूरज नहीं मिलता है, उसको हवा नहीं मिलती है पानी की वजह से, जिसके वजह से वो नहीं उगती है, तो हमारे को वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण नहीं करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ खरपतवार ना आए और हमें खरपतवार नियंत्रण ना करना पड़े, इसके लिए क्या हम करीब 3 से 4 हजार लीटर पानी 1 किलो चावल बनाने में बर्बाद कर सकते हैं या करना चाहिए? जी हाँ, आपने सही सुना, करीब 3 हजार से 4 हजार लीटर पानी लग जाता है हमें 1 किलो चावल के उत्पादन करने में। इतने पानी से आप दिन भर में कम से कम 1.5 हजार लोगों को पानी पिला सकते हैं। सोच के देखिए, भारत जैसा देश जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, कई जगह पे पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है या खत्म हो गया है, हम राइस फार्मिंग कर रहे हैं वीड कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि हमें बस एक अच्छी उत्पादन मिल जाए बिना मेहनत करे। और सिर्फ पानी ही नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब पानी भरा रहता है इन खेतों में तो एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, हवा नहीं पहुंचती है वहां पे, और बिना हवा में हमेशा गलत माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया पैदा होंगे, जो इसमें भी होते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया मीथेन एमिट करते हैं और वो मीथेन सारी आसमान में जाती है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज करती है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में पैडी से जितनी मीथेन ऊपर जाती है उसका 2/3 सिर्फ भारत करता है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन जाता है, क्लाइमेट कंडीशंस थोड़ी गर्म है और फ्लडिंग से जो हमारे फार्मिंग है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या हम धान या पैडी लगाना छोड़ दें? ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2030-35 तक जितना हम उगा रहे हैं इस समय धान, उससे करीब 100 मिलियन या उससे ज़्यादा और उगाना पड़ेगा डिमांड को केटर करने के लिए। तो धान तो हमें उगाना ही है, हमें सिर्फ तरीके बदलने हैं। किसान दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी किसान का उत्पादन नीचे गिरे या उनको परेशानी हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जिस भी तरीके से आप अभी खेती कर रहे हैं धान की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाएं, एक क्यारी अपने लिए अलग से बनाएं, जिसमें आप क्या करें, रेस्ड बेड बनाएं, जिनको रिजेज एंड फरोज भी बोलते हैं, हमारे यहाँ गूल बोलते हैं, और जब ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाए पौध, तो बाकी तो ऐसे ही करें जैसे खेती करते हैं, उस क्यारी में आप ऊपर उसकी पौध लगाएं, ट्रांसप्लांट करें 1 फुट की दूरी पे, और 1 फुट की दूरी होनी चाहिए लाइन टू लाइन, एक एक पौधा लगाएं, सिर्फ एक एक पौधा, और पानी उतना ही दे जितनी नमी बनी रहे, जितना हम बाकी क्रॉप उगाने में पानी लगाते हैं।
अगर हम ऐसा करते हैं तो खरपतवार आएंगी ही आएंगी, जरूरी होगा हमें खरपतवार नियंत्रण करना। वो एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, लेकिन अगर एंड में हम देखेंगे कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई खरपतवार नियंत्रण में वर्सेस वो करने के बाद कितना पानी बचाया, पर्यावरण को कितना फायदा पहुंचाया और प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आया, तो एंड में आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी हर तरीके से जीत ही होगी। वैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया था पिछले सीजन, जिसमें हमने ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया था, हमने सीधा बीज रेज बेड में डाले थे धान का बीज, और वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिसका कारण ये था कि खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाया था, वहां पे पौधा अभी निकला नहीं था और धूप घास और बाकी चीजें आ गई थी। यहाँ पे हमें फायदा ये होगा कि हमारा पौधा करीब 4-5 इंच का हो चुका होगा, बड़ा होगा, वो 10-15 दिन लगाएगा सेटल होने में, और जब तक अगर आई खरपतवार तो वो इतनी कम होगी कि पौधा काफी बड़ा हो चुका होगा, एक आध खरपतवार नियंत्रण से वो सेटल हो जाएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि बदलाव बहुत मुश्किल है, जो भी पारंपरिक तरीके से चलता आया है उसको बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारे थोड़े से प्रयास से, नई सोच से आने वाली जनरेशन को अच्छा पानी जलवायु मिल सकती है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी वीडियो देख रहा है उनमें से कोई भी सक्षम है और ये कर सकता है तो ये करके ज़रूर देखें, ये ट्राई ज़रूर करें और अपने प्रयासों से होने वाले रिजल्ट्स को साझा करें। मुझे 100% विश्वास है कि आप इसके थ्रू बहुत पानी बचाएंगे, बहुत मेहनत भी बचाएंगे, कॉस्ट भी बचाएंगे और प्रोडक्शन भी बेटर होगा।